यहाँ बनाया था, उसी आशीर्वाद के स्वरूप श्री शंकर लालवानी ने इंदौर के चौमुखी विकास की जिम्मेदारी को महान से निभाते हुए इंदौर के में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये सभा हो रही है और जिसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री मौजूद हैं, भारी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इंदौर में इस समय मौजूद हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो कि सभा कर रहे हैं और देख सकते हैं कि अभिवादन किया जा रहा है। एक बड़ा काफिला यहाँ पर मौजूद है मुख्यमंत्री का और उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज इंदौर में नॉमिनेशन फार्म के लिए आया हूँ। यहाँ हमारे लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी पुनः बने श्री शंकर ललवानी जी, मैं अपनी ओर से उनको शुभकामना देता हूँ। आज नॉमिनेशन फार्म के साथ यहाँ से मैं झाबुआ जाने वाला हूँ, रतलाम झाबुआ सीट का भी नॉमिनेशन का फॉर्म भरा जाएगा। जिस प्रकार से उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है इंदौर की जनता का, इस तपती गर्मी के बीच भी जो पारा चढ़ा राजनीतिक रूप से, वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए पॉजिटिव है। आज मध्यप्रदेश की धरती पर इंदौर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहा है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे वरिष्ठ नेता तुलसी सिलावट जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा जी और सभी मित्रों के साथ, सभी विधायकों के साथ, सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारी ताई सुमित्रा ताई जी ने लंबे समय तक यहाँ रिकॉर्ड बनाया, महापौर हमारा पुष्यमित्र भार्गव जी सहित हम सब आज फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से फॉर्म भरने का उत्साह दिख रहा, निश्चित रूप से आने वाली 13 तारीख को एक रिकॉर्ड बनेगा इंदौर में। पिछली बार 5.5 लाख मैंने कहा कि कितने लाख का है तो मालूम नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि पुराना रिकॉर्ड टूटेगा ये मैं जानता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कहते हुए नज़र आए मुख्यमंत्री कि रिकॉर्ड इस बार टूटेगा और सभी की सभी सीटें बीजेपी जीतने वाली हैं। इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये सभा हो रही है जिसमें शंकर लालवानी मौजूद हैं। बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के पक्ष में चुनावी जनसभा हो रही है और अब से थोड़ी देर बाद संबोधित करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे जनता को। फिलहाल तो यहाँ पर अभिवादन किया जा रहा है और देखिए साथ में ही शंकर लालवानी भी मौजूद हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन यहां पर बीजेपी की तरफ से, जिसमें भारी संख्या में उनके समर्थक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और काफी हाई प्रोफाइल ये सीट मानी जाती है। अब ऐसे में चुनाव होना है, अब चुनाव में देखना होगा कि जनता किसको चुनती है। देखिए काफिला जिसमें साफ देखा जा सकता है कि समर्थकों का किस तरीके से जनसैलाब उमड़ा हुआ है, उनका काफिला भी आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे मुख्यमंत्री गाड़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, उनके जो समर्थक हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। ये रोड शो की तस्वीरें, रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इस समय बीजेपी पूरी तरीके से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है और खुद मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जो कि अलग अलग जिलों में जाकर वोट की अपील करते हुए जनता से नजर आते हैं। कल भी तस्वीरें हमने देखी थी जो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री मौजूद थे, जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री का काफिला जिस गाड़ी से गुजर रहा था उसी गाड़ी पर मौजूद थे मुख्यमंत्री और कमल का फूल हिलाकर जनता से वोट की अपील की जा रही थी। और आज देखिए मुख्यमंत्री इस समय इंदौर में रोड शो कर रहे हैं, एक बड़ा रोड शो और जिसमें शक्ति प्रदर्शन साफ दिख रहा है बीजेपी की ओर से। शक्ति प्रदर्शन ये बताने की कोशिश की गई है कि एक बड़ा हुजूम अभी भी जनता उनको सपोर्ट कर रही है, इस तरीके से संदेश देने का काम किया जा रहा है। तो एक बड़ा रोड शो है, उसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री।